सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के ताज़ा बुलेटिन के मैं हरप्रीत सिंह मठाड़ू तुहाडा स्वागत करदा हां। पंजाब दीआं ताज़ा तरीन खबरां तुहाडे रूबरू करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, तां कि खबरों का ताज़ा बुलेटिन तुहानूं समय सिर मिलता रहे। पंजाब दे गभरू जसकार ने कीता वाहिगुरू जी दा शुकराना, भाई हरजिंदर सिंह नाल कीती मुलाकात। तरन तारण के छोटे जे पिंड खालड़ा के जसकारण सिंह ने बीते हफ्ते बॉलीवुड के मैगा स्टार अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति तो 1 करोड़ रुपये जित के इतिहास रच दिता। इस तो बाद जसकारण ने वाहगुरू जी का शुकराना करन गुरद्वारा साहब भी पहुँचे। उत्थे उन्होंने महान कीर्तने भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले नाल भी मुलाकात की। इसका एक वीडियो भाई हरजिंदर सिंह जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया। दस दी कि तरन तारण के पिंड खालड़ा के रहने वाले जसकारण सिंह ने कॉनब्रेड बनेगा करोड़पति सीजन 15 के पहले जेतू बने हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपये जितते हैं। अगली खबर पायल तो आ रही है। पायल के कल्ली रहिंदी औरत का कतल, घर चो मुश्क आने तो बाद कतल का लग्या पता। स्थानक शहर पायल विखे घर में कल्ली रहिंदी औरत का अणपछात्या वालों कतल कर दिता गया। मृतक की लाश घर में खून नाल लथपथ मिली। कतल का पता घर चो मुश्क आने तो बाद लग्या। मृतक की पहचान रणजीत कौर 43 साल वासी पायल सामने मीट मार्केट पुलिस थाना पायल वजो हुई है। पायल पुलिस अनुसार रणजीत कौर पत्नी सरदार सुखविंदर सिंह कालसी वासी पायल का सिर विच सट मार के कतल कर दिता गया। कतल की घटना का पता 5 सितंबर रात 8 बजे पता लग्या। घटना समय मृतक रणजीत कौर का पति सुखविंदर सिंह विदेशी इटली सी, ते उन्हां दे दोनों लड़के भी विदेश विच, एक कनेडा ते दूजा लड़का इटली विच रहिंदे हन। इस करके मृतक रणजीत कौर कतल समय घर विच कल्ली सी। घटना की सूचना मिलन तो बाद SHO पायल घटना स्थान ते पहुँच के मृतक रणजीत कौर की लाश नूं अपने कब्जे दे विच लै के अगलेरी कार्रवाई आरंभ दित्ती है। अदाकार गग्गू गिल ने CM मान ते पुलिस दी रज के की तारीफ। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की शान बने अदाकार गग्गू गिल की एक वीडियो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है, जिसका चर्चा हर पासे शुरू हो गया। दरअसल दिग्गज अदाकार गग्गू गिल हुण पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस वालों चलाई गई नशा विरोधी मुहिम नाल जुड़ गए हैं। गग्गू गिल ने एक वीडियो साझी करके लोगों को पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम नाल जुड़न की अपील भी की। दस दिए कि इस वीडियो में गग्गू गिल आख रहे हैं कि हरेक नशा बहुत माड़ा हुंदा, पर चिट्टे दे नशे ने तो हर घर नूं बर्बाद कर दिता है। मैं लोगों को बेनती करता हाँ कि सरकार का वध तो वध साथ देवे ते तां जो पंजाब नूं मुड़ खुशहाली की राह ते लियांदा जा सके। अगली खबर बोहर तो है। सरकारी प्रायमरी स्कूल के मास्टर ने बच्चे नूं बेरहमी नाल कुट्टिया। बोहर के एक सरकारी प्रायमरी स्कूल में मास्टर वालों बच्चे की कुटमार की एक तस्वीर सोशल मीडिया से वायरल हो रही है, जिस विच मास्टर बच्चे नूं बहुत तसीहे दे रहे हैं। वीडियो मास्टर सूटी नाल बच्चे नूं कुटदा नज़र आ रहा। वीडियो वायरल होने तो बाद सिख्या विभाग हरकत दे विच आई है। दूजे पासे बच्चे के पिता ने मास्टर वालों की कि कुटमार नूं जायज़ ठहराया है। पिता ने दस्सिया कि उसने मास्टर नूं कहा सी कि उसका बच्चा कहना नहीं मानता। दूजे पासे DC ने कहा कि मापिआं दा कहना है कि उन्हां दा बच्चा कहना नहीं मानता, पर बच्चे नूं सुधारन लई इह किहड़ा तरीका है कि इस विधि नाल बच्चे नूं सुधारिया जा सके। अगली खबर सरकारी स्कूलों चो विद्यार्थियों की घटी गिणती का DEO होगा जिम्मेवार। पंजाब के सरकारी स्कूलों में सिक्ख्या का पद्धर उच्चा चुकने लिए सिक्ख्या विभाग लगातार काम कर रहा है। पिछले हफ्ते विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जे कोई सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के स्कूल छड्डण की गिणती वधदी है तो इस लई जिले के सिक्ख्या अफसर जिम्मेवार होणगे। विद्यार्थियों की गिणती में गिरावट आने तो बाद सिक्ख्या अफसर उत्ते कार्रवाई की जाएगी। सारे स्कूलों नूं सिक्ख्या विभाग वालों वक्खो वक्खरे लिंक भेजे गए हैं, जिस विचों गैर हाज़र रहण वाले विद्यार्थियों की गिणती सांझी करनगे। इसका कारण यह है कि कुछ विद्यार्थी सरकारी स्कूल छड्ड के होर स्कूलों विच दाखला लै रहे हैं, पर वो सरकारी स्कूलों विच अपना नाम भी नहीं कटवा रहे हैं, जिस करके विभाग नूं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। पहली तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों लिए अहम खबर। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने अपने विद्यार्थियों नूं पहली तो 12वीं जमात तक दीआं पाठ पुस्तक खुद डिजाइन करने का मौका दिता है। ना सिर्फ यह मौका किसी भी राज विच पहली बार विद्यार्थियों नूं दिता जा रहा, बल्कि यह एक मुकाबला भी है जिथे पाठ पुस्तक ते सर्वर नूं डिजाइन नूं लागू किया जाएगा। बोर्ड के सकत्तर अभिकेश गुप्ता वालों जारी की गई जानकारी अनुसार 30 सितंबर नूं शाम 5 बजे तक विद्यार्थी अपनियां कलाकृति नूं डिजिटल फॉर्मेट विच डाक राही भेज सकते हैं, जिस विच अपना पूरा नाम पता स्कूल का वेरवा संपर्क जानकारी इस बारे संखेप जानकारी दी जा सकती है। पहली तो 12वीं जमात के विद्यार्थियों लिए अहम खबर। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने अपने विद्यार्थियों 12वीं जमात तक दीआं पाठ पुस्तक खुद डिजाइन करने का मौका दिता है।
अनुसूचित जाति के बच्चों लिए वड्डा एक्शन। पंजाब की मान सरकार वालों अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों लिए स्कॉलरशिप 2023-24 का ऐलान कर दिता है। इस स्कीम का मुख्य टीचा गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को उचेरी सिक्ख्या पूरा करने लिए सहायता मुहैया करना है। पंजाब सरकार वालों इस स्कीम 10वीं जमात तो बाद उचेरी सिक्ख्या प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को फ्री शिप कार्ड जारी किए जाने हैं। स्कॉलरशिप लिए ऑनलाइन दरखास्त डॉक्टर अंबेदकर स्कॉलरशिप पोर्टल पर लाई जा सकती है। बिनेकार पंजाब राज दा वसनीक होवे, बिनेकार पंजाब राज दी अनुसूचित जाति नाल संबंध रखता होवे, बिनेकार दे माता पिता सरपरस्त की सालाना परिवारक आमदन 2.5 लाख तो वध ना होवे। पंजाब पुलिस की मिलीभुगत नाल सूबे च हो रही गैर कानूनी माइनिंग। पंजाब विच गैर कानूनी माइनिंग पंजाब पुलिस की मिलीभुगत नाल हो रही है। पंजाब सरकार चाहे जिन्नी मर्जी सख्ती कर लवे पर जदों तक पंजाब पुलिस ही नहीं सुधरेगी उदों तक सूबे विच गैर कानूनी माइनिंग नहीं रोकी जा सकती। गैर कानूनी माइनिंग करन वालियां नाल पंजाब पुलिस मिली हुई है। एक कमेंट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सुनवाई दौरान किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि रोपड़ खेत्र विच हो रहा गैर कानूनी खनन पुलिस कर्मी की मिलीभुगत नाल हो रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले विच नजायज़ खनन करन वालियां नाल पुलिस रली हुई है। अदालत ने नोट किया है कि सिर्फ गरीब व्यक्तियों खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है ना उन्हां मुलाजमान नूं बनाया गया है। अगली खबर, बठिंडा च पुलिस इंस्पैक्टर की गोली लगन नाल मौत। बठिंडा विच पुलिस इंस्पैक्टर रणधीर सिंह भुल्लर की गोली लगन नाल मौत हो गई। उसकी लाश कार विचों मिली है। यह हादसा है जां खुदकुशी, इस बारे अजे तक कुछ साफ नहीं होया। दस दिए कि रणधीर सिंह जगरावां पुलिस लाइन के तैनात से जिस वेले यह हादसा वापरिया उस वेले वह बठिंडा के फेस एक विच अपने सहुरे घर दे विच आया होया सी। अगली खबर, तेज़ रफ्तार कैंटर ने सड़क पार कर रहे 5 साल बच्चे नूं मारी टक्कर। तरन तारण की पट्टी रोड से स्थित पिंड लोका च स्कूल तो घर परत रहे 5 साल बच्चे नूं सड़क पार करते समय तेज़ रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दिती। गंभीर जख्मी बच्चे नूं हस्पताल लिजाया गया जिथे डॉक्टर ने उस नूं मृतक ऐलान दिता। बच्चा मापिया का इकलौता पुत सी। पुलिस ने फरार मुलजम कैंटर मनजीत सिंह उर्फ सोनू वासी वार्ड 2 पट्टी खिलाफ केस दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी लई छापेमारी शुरू कर दिती है। पिंड लोका के गुरप्रीत सिंह ने दसाया कि उसका 5 साल पुत्र हरजोत सिंह कॉन्वेंट स्कूल ठाकुरपुर में पढ़ता सी। अध्यापक दिवस कारण स्कूल तो जल्दी छुट्टी होने कारण सवेरे 10:30 बजे स्कूल वैन में घर जा रहा सी। सड़क पार करते समय तरन तारण साइड तो आ रही तेज़ रफ्तार कैंटर ने बेटे को टक्कर मार दिती। अगली खबर, शराबी पुलिस मुलाजम ने नशे च ठोकी गड्डी। शराब के नशे च धुत पुलिस मुलाजम अधिकारी ने बुधवार देर रात पुलिस लाइन नेड़े स्थित एक होटल के बाहर 4 से 5 वाहनों को अपनी गड्डी नाल भन दिता। खुशकिस्मती नाल इस हादसे दे विच कोई जानी नुकसान नहीं होया पर कई वाहन नुकसाने गए। इस दौरान शराबी ASI ने खूब हंगामा किया, बड़ी मशक्कत मगरों उसनू काबू किया गया। अगली खबर, 8 सितंबर 710 नव नियुक्त पटवारियों दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट करके कहा कि वह सारिया नाल एक खुशी सांझी करना चाहते हैं कि टैसट पार करने वाले 710 पटवारियों को 8 सितंबर नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि नियुक्ति पत्र सौंपने लिए एक बड़ा समागम करवाया जा रहा। भगवंत मान ने अपने ट्वीट में लिखा कि पटवारियों की नवी भर्ती का इश्तहार भी जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि उम्मीद है कि नवे हत्थों नवी कलम भ्रिष्टाचार मुक्त समाज की सिरजना करेगी तो लोगों को खज्जल खुआरी नहीं होने दी जाएगी। सो ये सन अज दियां मुख्य खबरां। उम्मीद है कि तुम वीडियो में लाइक शेयर चैनल में सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं खबरों के अगले ताज़ा बुलेटिन के साथ। तद तक दिल्ली मेहरबानी, धन्यवाद जी।